बुलेटिन आरंभ करिबा सही बड़ खबर। पुलिस एनकाउंटर रे कुख्यात गैंगस्टर हैदर मृत। बालेश्वर जिला सिमुलिया निकट रे परिसरा बहाना रे पुलिस को चकमा दे खसी जिबा को उद्यम करथिला हैदर। सांगरे थिबा सुरक्षा कर्मी कठारु बंदूक छोडाइबा स खसीबा को उद्यम करथिला गैंगस्टर। ए समय रे पुलिस हैदर को एनकाउंटर करथवा बेले हैदर पेट ओ हाथ रे चारटी गुली बाजीथिला। एथिरे हैदर गुरुतर भाबे आहत होइथवा बेले ताको बालेश्वर मेडिकल ले भर्ती करा जाइथवा बेले डाक्टर ताको मृत घोषणा करथिले। तबे वर्तमान हैदर रो मृतदेह बालेश्वर मेडिकल शव गृह रहता बेले आज शव व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को हस्तांतर कर जमापड़े। अन्यपटे गैंगस्टर हैदर मृत्यु को नहीं केन्द्रापड़े अघटन घटे आशंक जिलार सौराचल समेत चारोट पंचायत जिला प्रशासन पक्ष 144 धारा जारी कर शनिवार रात 11 जुलाई 30 तारीख दिन 11 जाए यह सब स्थान में 144 धारा बलबत्तर रही जिला प्रशासन पक्ष निर्देश दी। बारीमूल कपाड़ेश्वर जमधर पंचायत में 144 धारा लागू हो सकाल 7 दिन 11 दुकान बजार खोला रहिबो। तबे ग्रोसरी परिबा और आमिष दुकान खोला रहिबो। सेपटे हैदर एनकाउंटर स्थान में साइंटिफिक टीम NH16 कॉलेज निकट में साइंटिफिक टीम पहुंची तनाघना करुछि। मनोज आम प्रतिनिधि सिमला प्रतिनिधि आम सहित जोड़ बाबदे अपडेट ना मनोज जो स्थान रे हैदर को अर्थात गैंगस्टर हैदर को एनकाउंटर करा जाइथला से स्थान रे वर्तमान साइंटिफिक टीम पहुंची कौन सब तदंत कले कौन सब तथ्य सामना को आसुछ। देखंतु निवेदिता आमे अच्छु सिमुलिया थाना सिमुलिया कॉलेज निकट रे जे कि सिमुलिया थाना ठू 200 मीटर दूर रे जे स्थान रे कि गतकाली गैंगस्टर हैदरंकर एनकाउंटर रे मृत्यु होइतला एवं वर्तमान सुधा से स्थान रे साइंटिफिक टीम एवं कटक एडिशनल एसडीपी कटक एडिशनल डीसीपी एवं बालेश्वर एसडीपीओ एवं सिमुलिया थाना अधिकारी घटनास्थल पहुंची तदंत जारी रखिंट आउ घटनास्थल दुईट फुटा गुड़ जबत कर साइंटिफिक टीम। देखो यही स्थान में हैदर को फायरिंग एनकाउंटर होता जोटि बर्तमान तदंत जारी रखिंट पुलिस और साइंटिफिक आप सीधा सड़क चित्र देखिपे जैक स्थान दुईट फुटा गुड़ जबत कर साइंटिफिक टीम निहत भाव में आप सीधासख एक्सक्लूसीव चित्र देखिपे जो स्थान रे हैदर को एनकाउंटर करा जाइथला से स्थान रे वर्तमान साइंटिफिक टीम पहुंची जे कह परिसर बाहना कर पुलिस को चकमा दे हैदर गैंगस्टर हैदर खसी जावाक चेष्टा करूला जो सेठे एनकाउंटर कर तेब मनोज आउ गोटे कथा जानवाक चाहबू से स्थान आउ कि जिनस हस्तगत हो पुलिस देखो कटक आडिशनाल डीसीपी आम सहित अच्छा प्रतिक्रिया ना सर जो हैदर के स्थान में एनकाउंटर होता सर आज जो आप तदंत में आसते कौन सर तद प्रक्रिया कमी कौन अच्छी नहीं रिक्वेशन साइंटिफिक टीम आसिक देखुं कौन कौन किसी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल कि नहीं से सर्च कर देखु निवेदिता जहाँ कटक आडिशनाल डीसीपी सूचना दौले जो साइंटिफिक टीम से घटनास्थल पहुंची तदन जारी रखिंट आप सीधा सड़क पुणी थे देखा चाहिए आपको जो स्थान ही फुटा गोली दुईट मिली से स्थान में छानबीन करुच्ची साइंटिफिक टीम ए पुलिस तदंतकारी टीम सीधा सड़क देखिपे एवं सुधा तदंत प्रक्रिया जारी रही ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବେଶ ଲମ୍ବା ତେଣୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କୋଠି ନା କୋଠି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଏସ୍ସିବିରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆର ଆତିଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଚକମା ଦେଇ ସେ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ତନଖୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିପାରେ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିମିଳାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।
ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମୁଳିଆରୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ସେଠାରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସେ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।